दिलदार नगर थाना क्षेत्र के कोसिया गांव में बाजार मोहल्ला चाय की दुकान पर कहा सुनी के बाद मारपीट और चूराबाजी में चार नाबालिग युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। उन सभी का निजी दवाखाने में चल रहा इलाज। पीड़िता की तहरीर पर दिलदार नगर थाना में पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके फरार युवकों की पुलिस गिरफ्तारी में जुट गई है। देखिए उसिया से इजहार खान की खास रिपोर्ट। रहता हूँ और मैं अभी बाजार बंद से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि मेरे दोस्त को कुछ लोग मार रहे थे, चार लोग थे तो उनके हाथ में हथियार भी, तो उन लोगों ने पहले किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी? वो कल मेरे दोस्त को उन लोगों ने कल बहुत मारा था तो उसकी वजह से हम लोगों ने उसको छोड़ दिया क्योंकि हम लोग फैमिली ने मना कर दिया था। तो फिर हम लोग ऐसे ही घूमने गए थे तो फिर आज गाली मिली उसकी वजह से हम लोगों को। मतलब पहले से मतलब प्री प्लानिंग मतलब चक थे कि हम मार थे और उसके बाद से पहले से हथियार थे और हथियार हथियार में रेडी थे और आप लोग गए उसके हिसाब से उन लोगों ने मारा। और फिर मैं जब लास्ट में गया तो तीन चार लड़के थे जबकि मेरे दोस्त अभिजीत को पकड़ के मार रहे थे तो फिर मैंने उन दोनों को हटाया और मैंने भी उन पर मतलब वार करने का ट्राई किया पर एक दो पंच लगा फिर उसने पीछे से मुझे एक चाकू मार दिया दो जगह पे और उससे मुझे पता नहीं चला। फिर मैं थोड़ा आगे चला गया चलते तो मुझे पता चला। तो हमने पूछा भाई किसने मारे थे इसको, उसके बाद डायरेक्ट मारना स्टार्ट कर दिया हम लोग को। अमजद को बहुत ज्यादा ब्लड आने लगा फिर हम गए छुड़ा दे फिर उसने हमको भी मार दिया बहुत तेज। हम तो पीछे नहीं हटे, हम अमजद को लेकर तुम डॉक्टर के पास चले गए मारते मारते फिर छोटे भाई को उसको भी मार दिया कैब भी उसको भी मार दिया चारों भाई को मार दिए डॉक्टर के पास सबको उठा लेकर। किस चीज से मारे थे आपको? वो चक्कू लिए थे और पंच लिए थे शायद। अच्छा मतलब पहले से कोई लड़ाई थी या मतलब सडनली ऐसे बस ऐसी मतलब कल जो हुआ था कोल्ड ड्रिंक के चक्कर में और आज हम लोग को फालतू मार दिया गया। आप लोग कितने लोग थे उस टाइम जब आप लोग गए थे? बस चार लोग थे। तो चारों लोगों को चक्कू लगा है? हाँ। वो लोग कितने थे? वो चार पाँच थे और बड़े उन लोग की एज काफी थी। अच्छा आप लोगों से बड़े थे? कम से कम वो सब 18 प्लस हो गए। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? किस बात को लेकर आप लोग से झगड़ा हुआ था? जब मेरे दोस्त से लड़ाई हुआ था कुछ दिन पहले, दो महीने पहले, तो फिर बाद में सुलह हो गया था तो फिर हम लोग गए थे, फिर सुलह हो गया था फिर दो महीने के बाद हमारे दोस्त गए थे तो उनको पकड़ के मारा। फिर आज दो दिन के बाद हम लोग गए तो वो लोग बैठे थे तो उन्होंने पूछा क्यों आया तो फिर बाद में उन लोग भागने लगे तो हम लोग ने पकड़ा तो फिर उसी पर लड़ाई होने लगी तो फिर उन लोग के हाथ में कुछ बहुत छुरी भी कुछ था उसी से उन लोगों ने मारा। हूँ और दानिश का पिता हूँ और जो है अमजद का मामू हूँ और कैफ का चचा हूँ। ये मेरे चार बच्चे हैं, चारों बच्चे आज जो है शाम को 6 बजे जो है वहाँ बगल में बाजार मोहल्ले में एक ठंडे की दुकान है जहाँ पीने गए थे। मेरे दोनों चारों बच्चे जो है नाबालिग है, 13 साल की उम्र के बच्चे हैं। ये बच्चे जो है वहाँ पे गए थे ठंडा पीने के लिए और ठंडा पीते वक्त जो है कुछ शरारती तत्व बच्चे जो है बाजार मोहल्ला के जो बच्चे हैं जो कुछ बदमाश किस्म के बच्चे हैं उन्होंने इन बच्चों से जो है तूतू मैं किया। उसके बाद अपने हाथों में हथियार कोई डंडा कोई भाला कोई पहले से कोई आपसी रंजिश या नहीं कोई पहले से ऐसी कोई रंजिश नहीं थी। ये बच्चे जो है बाहर से आए हुए हैं लॉकडाउन के वजह से घर में अपने आए हुए हैं। ये सारे बच्चे जो है इलाहाबाद लखनऊ और तरह तरह के जगहों पर पढ़ने वाले हैं सारे बच्चे जो है अपने। लेकिन बच्चों का कहना कि कल कुछ हुआ था, कल कुछ झगड़ा हुआ था उसका वो लेकर आ जाए इस बात। कल ये मेरे बच्चों से किसी से झगड़ा नहीं हुआ था, किसी और से हुआ होगा लेकिन ये मुझे मालूम नहीं है। लेकिन इन बच्चों से कोई झगड़ा नहीं हुआ था। ये बच्चे जो है वैसे बच्चे भी नहीं है कि जो हैं ये गांव के अंडर एज हैं, अंडर एज हैं 12-13 साल के उम्र के बच्चे हैं और इस टाइप के बच्चे मतलब चक्कूबाजी और इस चक्कूबाजी जो है बच्चे ये सब तो कुछ नहीं लिए हुए थे। ये तो गए थे ठंडा पीने के लिए, ठंडा पीते वक्त उन्होंने जो है आकर कुछ लोगों ने जो है तत्व किस्म के शरारती तत्व किस्म के बच्चे हैं जो कि आके इनसे जो है तूतू मैं किए। उसके बाद अपने हाथों में लिए हुए थे चक्कू लिए हैं
या कोई रड लिए हुए हैं ऐसे जो इसे मारे तो हैं। मतलब आप लोगों ने कोई FIR करवाया है या अभी तक तो मैं कोई FIR भी नहीं किया हूँ। इस तरह का हादसा हुआ तो आप क्यों नहीं? मैं अभी जो है सूचना कर रहा हूँ अपने इंस्पेक्टर साहब को, यहाँ भी सूचना करूंगा दिलदार नगर SHO महोदय को। उसके बाद मैं अभी फिलहाल फर्स्ट एड में काम करवा रहा हूँ, अपने हॉस्पिटल में लाया हूँ फातिमा हॉस्पिटल में, जहाँ फर्स्ट एड उपचार चल रहा है। अभी बच्चे कुछ बच्चे जो है हमारे जो है चोट गंभीर लग रही है, जिनको जो है हो सकता है कि मैं गाजीपुर भी ले जा सकता हूँ या उससे आगे FIR करेंगे तो MLC कराना पड़ेगा। जी जी जी, उसके बाद ही कुछ रिपोर्ट होगा। हाँ, वैसे रिपोर्ट जो है FIR वगैरह करने के लिए मैं सूचना कर दे रहा हूँ करने के बाद जो है, लेकिन पहले मुझे फर्स्ट एड कराना है। बच्चों का जो चोट लगी हुई है गंभीर चोट है, अंदर तक दो दो तीन तीन नीचे तक रड गया हुआ है, चक्कू गया हुआ है, किसी के सीने में गया है, किसी के पेट में गया है, किसी के जांग में गया है, किसी के कमर में गया है, किसी के हिप में गया है। ये बच्चे जो है हमारे जो है गंभीर रूप से तीन लोग बच्चे जो है गंभीर घायल हैं और जिनकी ब्लडिंग हो रही है इस समय। कितने बजे घटना थी ये घटना? लगभग 6:30 की घटना है। वहाँ पे हम लोगों ने या हमारे मोहल्ले के कोई सदस्य वहाँ मौजूद नहीं थे, ये सुन के लोग जो है मोहल्ले से हमारे गए बीच बचाव बच्चों को किसी तरह लेकर, इंजर्ड बच्चों को लेकर हम लोगों ने जैसे मोहल्ले के कुछ लोग या उसी मोहल्ले के कुछ लोगों ने जो उस अच्छे किस्म के हैं उन्होंने लाए हैं और हम लोगों को सूचना देकर हम फिर अपने जो है लेकर हॉस्पिटल भगे हैं। 6:30 की घटना है और अब तक आपने इन्फॉर्म नहीं किया? नहीं, अभी तक तो मेरा बच्चा जो है इतनी इंजर्ड है कि जो इन्फॉर्म करने फर्स्ट एड तो आपको मिल जाए। ठीक है, आप जो फर्स्ट एडिशन है आप फर्स्ट एड ले रहे हैं, लेकिन थाना का आपने इन्फॉर्म किया या नहीं किया? नहीं, अभी नहीं किया हूँ, लेकिन थाना का इन्फॉर्म मैं कर दे रहा हूँ। 100 नंबर को भी आपने नहीं किया था? नहीं, 100 नंबर को मुझे उतना समय ही नहीं मिला, मैं अपने गोद में बच्चों को लेकर भाग रहा हूँ तो मुझे 100 नंबर का सूचना कैसे दे पाऊंगा? मैं देने के लिए सब कुछ तैयार हूँ, लेकिन अभी जो है मैं अभी फर्स्ट एड के लिए मैं चल रहा हूँ। अभी मैं खुद उस हालत में नहीं हूँ कि किसी को सूचना कर सकूँ। फिलहाल के बाद अभी सूचना फर्स्ट एड।